तो भाई काफी टाइम वेट करने के बाद हमारे गेम के अंदर यानी कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर यहाँ पर एक न्यू अपडेट आ चुका है। एंड इस वाले अपडेट के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, लाइक बहुत सारे न्यू चीट कोड आए हैं। एंड यहाँ पर इस वाले अपडेट के अंदर यहाँ पर गेम को इम्प्रूव किया गया है, मतलब बहुत सारे बग एंड ग्लिचेस को हटा दिया गया है। एंड साथ साथ यहाँ पर गेम की ग्राफिक्स पे काम किया गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर सभी ऑल न्यू चीट कोड्स, यानी कि बोलेरो का चीट कोड क्या है एंड मिनी जेटपैक का चीट कोड क्या है। एंड बात करेंगे यहाँ पर गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है एंड गेम के अंदर क्या क्या न्यू चीजें आई है, जैसे कि यहाँ पर जिम आया है एंड न्यू एक स्विमिंग पूल आया है एंड एक ट्रक भी नया ऐड हुआ है, साथ साथ यहाँ पर जेटपैक एंड यहाँ पर बोलेरो का चीट कोड भी ऐड हुआ है, सभी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो यार। तो गाइस मैंने यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर दिया एंड देखने वाले कि गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पॉन हुआ एंड यहाँ पर कुछ इतना बड़ा हमको हाउस मिला है। एंड पहले ओके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि यहाँ पर ये वाली बड़ी गाड़ी हमें देखने को मिलती है। पहले हमें यहाँ पर एक मोटरसाइकिल देखने को मिलती थी, बट अब देखो यहाँ पर एक बड़ी वाली गाड़ी हमको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर देखो ये वाला स्विमिंग पूल भी यहाँ पर इस वाले गेम के अंदर ऐड कर दिया गया, जो बिल्कुल रियल स्विमिंग पूल है। एंड पहले वाला स्विमिंग पूल यहाँ पर भाई मतलब पूरा नकली स्विमिंग पूल था, उसके अंदर पानी भी नहीं था, बट ये वाला रियल है एंड इसके अंदर आप स्विमिंग भी कर सकते हो गाइस यार। मतलब ये तो काफी अच्छा हो गया कि यार ये वाला स्विमिंग पूल बिल्कुल रियल बनाया गया है यहाँ पर गेम के अंदर। एंड यहाँ पर देखो ये वाला हाउस यहाँ पर अपडेट के अंदर ऐड हुआ है एंड ये वाला हाउस काफी बड़ा हाउस है एंड न्यू हाउस है। एंड इस वाले हाउस को आप कलर चेंज कर सकते हो एंड आरजीबी भी आप कर सकते हो। तो आपको आरजीबी कैसे करना है, सिंपली फोन निकालना है, आरजी स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पर लिखना है आपको हाउस एंड फिर कलर लिखना है। ध्यान रखना है स्पेलिंग गलत मत करना है यहाँ पर एंड फिर लिखना है यहाँ पर आरजीबी। अब देखो यार भाई आरजीबी हो चुका है एंड इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कलर भी आप कर सकते हो गाइस। एंड ये वाला हाउस काफी अच्छा हाउस है एंड ओल्ड वाला हाउस से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ओल्ड वाला हाउस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बट ये वाला हाउस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला हाउस हमने बाहर से देख लिया, बट ये वाला हाउस हम अंदर से देखने वाले कि अंदर से किस प्रकार से हाउस लगने वाला है। अब जैसे यहाँ पर हाउस के अंदर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर रूम देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है। एंड भाई यार लिटरली यार ये वाला पूरा मकान यहाँ पर पूरा हाउस कांच का बनाया हुआ है यार। तो यार रूम तो काफी बड़ा लग रहा है, बट इस रूम के अंदर देखने लायक कुछ इतना है नहीं। हम चलने वाले यहाँ पर अगले वाले रूम के अंदर। अभी देखो यार यहाँ पर ना एक डस्टबिन पड़ा हुआ है एंड साथ में यहाँ पर कुछ बेड वेड पड़ा हुआ है। एंड इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है एंड यहाँ पर एक टीवी पड़ा है। बट यार इसी रूम के अंदर यहाँ पर एक फैन है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला फैन है वो, तो इसको हम ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो ये बंद पड़ा है, बट इसको आप ऑन कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली फोन निकालना है एंड यहाँ पर आपको आरजी स्टोर ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फैन ऑन, ठीक है। अब आपको सिंपली सेव करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे ना देखो यहाँ पर हमारा फैन चलने लग गया है। मतलब यार ये वाला तो काफी अच्छी मुझे फीचर लगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो फैन को, तो वापस से आपको आरजे टूल को ओपन करना पड़ेगा एंड आरजे टूल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अंदर फैन ऑफ। ये देखो फैन ऑफ हो चुका है, मतलब क्या ही बात है। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर गेम के अंदर यहाँ पर एक न्यू जिम भी एड हुआ है, तो जिम को हम देखने वाले हैं। तो आई थिंक सो वो वाला जिम है ना यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ जिम बनाया गया है यहाँ पर, तो क्या हम यहाँ पर इन डंबल्स को यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे डंबल्स एंड बहुत सारे गैजेट्स पड़े हैं जो कि जिम एंड वर्कआउट करने के होते हैं, बट यार इनको हम यूज नहीं कर सकते क्या। और हो सकता है कि अगले वाले अपडेट के अंदर हम इनको यूज कर पाए, बट इस वाले अपडेट के अंदर हम इसको देख सकते हैं बट यूज तो नहीं कर सकते गाइस। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे डंबल्स पड़े हैं एंड बहुत सारी मशीन पड़ी है जिससे कि हम जिम कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल तो हम गेम के अंदर इनको यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर यूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट देखो यहाँ पर सामने यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, मतलब कांच लगा हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिरर नहीं है, बट यहाँ पर कांच लगा हुआ है एंड है ना यहाँ पर हम अंदर से देख सकते हैं बट बाहर से हम ना अंदर नहीं देख सकते, इस प्रकार से कांच को बनाया गया है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर न्यू चीट कोड कौन से है। तो चीट कोड्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाला है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट चीट कोड है यहाँ पर फोन निकालना है, सिंपली एंड आपको डायल करना है 330, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर सामने यार ये वाला है। इसका नाम क्या है, क्या इसका नाम, वो जेट पैक है, ठीक है, छोटा वाला जेट पैक है। तो ये वाला जेट पैक 2 यहाँ पर आ जाएगा एंड काफी छोटा होता है, बट यार ये उड़ने में काफी सही लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस प्रकार से फ्लाई करने वाला है एंड ये काफी स्मूथ उड़ता है, ठीक है, मतलब सही उड़ रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसी के साथ यहाँ पर एक और जेट पैक एड हुआ है, उसका चीट कोड क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले जेट पैक का चीट कोड क्या है, सिंपली आपको फोन निकालना है, यहाँ पर आपको डायल करना पड़ेगा 320, जिससे कि सामने है ना ये वाला जेट पैक आएगा। देखो आएगा ये वाला, ये देखो ये काफी बड़ा जेट पैक लगता है, बट ये वाला जेट पैक है ना गाइस, ये जेट पैक नंबर 1 है एंड वो वाला जेट पैक नंबर 2 था। बट यार इसको हम फ्लाई करके देखने वाले किस प्रकार से फ्लाई करने वाला है, दिखने में काफी अच्छा लग रहा है बट फ्लाइंग करते हैं एंड ये काफी अच्छा स्मूथली उड़ रहा है गाइस, ठीक है, मतलब सही लग रहा है मुझे तो भाई एक नंबर। ये देखो मैं फ्लाई करा रहा हूँ इसको एंड आराम से उड़े जा रहे हैं। चलो गाइस यार ये भी सही है एंड इसके साथ यहाँ पर और भी नए नए चिटकोड आए हैं।
तो अब बात करने वाले कि यहाँ पर बोलेरो का चीट कोड क्या है, क्योंकि इस वाले अपडेट के अंदर यहाँ पर बोलेरो भी ऐड हुई है। तो फोन निकालना है एंड आप डायल करना है आपको 3100, जिसके सामने यार ये वाली बोलेरो आएगी। एंड ये वाली बोलेरो अभी फिलहाल इस वाले अपडेट के अंदर न्यू ऐड हुई है एंड देखते किस प्रकार से चलने वाली है भाई। मतलब दिखने में तो काफी सही लग रही है। ये देखो भाई यहाँ पर मैं इसको ड्राइविंग कर रहा हूँ एंड ये काफी स्मूथ चल रही है गाइस, ठीक है। एंड ऐसा है कि यार ये वाली मतलब जो बोलेरो ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार है, मतलब कभी टूटेगी नहीं, बहुत धीरे टूटेगी, ठीक है, मतलब जल्दी नहीं टूटती इस प्रकार से। एंड यार ये वाली गाड़ी मेरे को काफी अच्छी लग रही है, मतलब इसका नाम तो बोलेरो है बट ये गाड़ी काफी अच्छी मेरे को लग रही है एंड काफी स्मूथली ये चल पा रही है। तो इसके अंदर कुछ भी कमी नहीं है भाई, मतलब मस्त चलाओ आराम से। तो इसको मैं लेकर आ चुका हूँ अपने यहाँ पर न्यू हाउस के अंदर एंड इसको यहाँ पर हम खड़ी करने वाले हैं। एंड गाइस हम देखने वाले हैं कि क्या इस वाली कार को यानी कि बोलेरो को हम आरजीबी कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को जानना है कि इस वाली कार को बोलेरो को हम आरजीबी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। हम ट्राई करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सिंपली फोन निकालते हैं एंड यहाँ पर इसको हम आरजीबी कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर पा रहे हैं। सही है यार, मतलब सही है, ये बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे यार। अब देखो मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एक ट्रक है जिसको हम फायर ट्रक बोलते हैं, वो वाला फायर ट्रक भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया, जिसका चीट कोड है यहाँ पर 606, ठीक है। ये देखो ये फायर ट्रक इस प्रकार से आता है, बट पहले वाला फायर ट्रक ना इस प्रकार से आता था, बट अभी इस प्रकार से फायर ट्रक आने लग गया है। अगर बात करूं पहले वाले फायर ट्रक की तो वो बहुत ही खराब सा लगता था, बट मुझे बट अच्छा नहीं था, बट ये वाला फायर ट्रक काफी अच्छा लगता है गाइस, ठीक है। तो ये थे कुछ यहाँ पर अपडेट के न्यू चीट कोड्स एंड अब क्या बोलूं यार। तो भाई यार ये था इस वाले वीडियो के अंदर। मैं होप करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर आप इस वाले अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी ग्लिच पता है या फिर कोई भी मिथ पता है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उन वाले मिथ को पिक करके आपका नाम लेकर ट्राई करने वाला हूँ। तो चलो फिर बाय बाय एंड चलो फिर सायोनारा।